नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? जहां मेरे फ्रेंड्स कुछ लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, राइट? वो बहुत नफरत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग दूर दूर से जानते हैं, उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं, और दोस्तों जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग हालांकि कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपके सामने इस इंडस्ट्री का कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ, जो डेटा आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता करेगा। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कहां से हुई। एक्चुअल में यह इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, उसकी शुरुआत 100 साल पुरानी है। अमेरिका में इससे पहले शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई, और जो एक्चुअल में उसको जो सिचुएशन पैदा हुई नेटवर्क मार्केटिंग की, असली रूप उसे 1980 में मिला। और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, WFDA से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर अमेरिका के भूतपूर्व माननीय बिल गेट जी है। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। अगर मैं इस इंडस्ट्री का टर्नओवर के बारे में बात करूं तो 2020-21 में इस इंडस्ट्री ने दुनिया भर में 13 लाख करोड़ का टर्नओवर किया है। मेरे फ्रेंड्स, बहुत ही विस्तीर्ण ऐसा इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, राइट? उन्हें खुद को मालूम नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन दुनिया भर का लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। सो मेरे फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही मार्केट का यूजफुल डेटा आपके सामने, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों चूज करना चाहिए, इसके लिए फायदेमंद होने वाला है। इस इंडस्ट्री में बहुत सी महिलाएं काम कर रही है, लगभग 74% महिलाएं का योगदान है। और हमारे इंडिया में यह व्यवसाय बहुत देरी से आया दोस्तों, राइट? 1996 में यह बिजनेस इंडिया में आया, जबकि उन दौरान हमारे वित्तीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और आज इंडिया में इस इंडस्ट्री के ऊपर FDI, FICCI, FDSA, ISDA ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उनका कंट्रोल है। बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस इंडस्ट्री को कंट्रोलाइज कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में क्यों ग्रो होने वाली है, बेसिकली इस बिजनेस को लगता क्या है? मेरे फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री को दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहले तो बहुत सारे लोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो है लोगों के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पीपल्स बिजनेस, राइट? सो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारी आबादी कितनी है। और दूसरी चीज नंबर टू की बहुत सारे जरूरतमंद लोग, अभी देखिए बहुत सारे लोगों में हमसे आगे तो चाइना है, लेकिन बहुत सारे जरूरत में हम ही नंबर वन है। सो मेरे फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाला है। अगर इंडिया की टर्नओवर की बात मैं अगर करूं तो आज का जो रिपोर्ट है 1900 से लेके मतलब आज तक 18,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने बिजनेस किया है इंडिया में, राइट? और आने वाले समय में मेरे फ्रेंड्स, फिक्की का ये दावा है, वित्त मंत्रालय का ये कहना है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर देने वाले है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है,
क्या सोचते हैं आप इस बिजनेस के प्रति, ये ज्यादा मायने रखता है। बहुत ही ग्रैप कर सकते हैं आप अपने फ्यूचर को इस इंडस्ट्री को लेकर। अभी देखिए, हर एक माँ बाप को, हर एक पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, फलाना फलाना, राइट दोस्तों। इन सारे लोगों को, इन सारे पेरेंट्स को आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में हर साल 15 लाख लोग, 15 लाख बच्चे इंजीनियर होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, और उनमें से 50% बच्चों को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिलता। मतलब 50% लोग खाली बैठे हैं, जॉब ही नहीं लगता। और जो लोगों को जॉब लगता है मेरे फ्रेंड्स, उनको पगार कितना होता है, उनका सैलरी जो है औसत 1-2 लाख ऐसा होता है। और जो बड़े बड़े सेक्टर में है, हो सकता है उनको 10-15 लाख का पैकेज मिलता हो, लेकिन बहुत सारे 50% बच्चे इंजीनियर खाली बैठे हैं, राइट। आईआईटी सेक्टर की बात में अगर करूं तो हमारे इंडिया में, मालूम है आपको आईआईटी सेक्टर में कितने सीटें हैं? हमारे इंडिया में 16,234 सीटें आईआईटी सेक्टर में है। उसमें केवल सिलेक्टेड लोग ही आते हैं, जैसे सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी होते हैं आईआईटी मुंबई, अहमदाबाद, खड़गपुर, ऐसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें से सिलेक्टेड पास आउट लोगों का ही करियर अच्छा होता है। आईएमएम की बात में करूं तो आईएमएम में केवल 5,500 सीटें हैं, और जितने भी बड़े बड़े आईएम इंस्टीट्यूट है वहां से अच्छे ग्रेजुएट होके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आने वाले लोग ही इसमें करियर करते हैं। अभी दोस्तों मैं बात करूं डॉक्टर्स की, हमारे इंडिया में डॉक्टर्स में, डॉक्टर्स की नीट एग्जाम के लिए करीब करीब पूरे इंडिया में 18-19 लाख लोग बच्चे अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए। और आपको पता है, सोचिए जरा, आपको पता है कि डॉक्टर्स का सीटें कितने हैं इंडिया में? डॉक्टर का दोस्तों सीटें है 1,17,500 केवल, और अप्लाई कितने कर रहे हैं? करीब करीब 18 लाख। सोचिए बाकी के लोगों का क्या, क्या किसमें करियर कर सकते हो? दूसरी बात, अगर हम डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, आईएमए हुआ, आईआईटी हुआ, अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम लोग सोचते हैं तो यूपीएससी एमपीएससी के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो इंडिया में यूपीएससी का सीटें कितने हैं? 826। कितने हैं? 800। मतलब यूपीएससी में 1,800 लोग ही करियर कर सकते, गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, बाकी का क्या। और महाराष्ट्र एमपीएससी की बात अगर मैं करूं तो महाराष्ट्र एमपीएससी में केवल 3,000 सीटें हैं। और दोस्तों पूरे इंडिया में इन सारे गवर्नमेंट जॉबों के लिए लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो यूपीएससी एमपीएससी का 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल सारे मिला के अगर दोस्तों मैं बात करूं तो केवल 2-2.5 लाख लोगों का ही करियर होता है, जॉब लगते हैं, बाकी का पूरा यूथ जो है मेरे ख्याल से 10-15 हजार के पीछे है। बेचारों को आम जिंदगी जीना पड़ रहा है, क्या करेंगे, जॉब नहीं है, गवर्नमेंट में ऐसा हालत है, डॉक्टर्स के सेक्टर में ऐसा हालत है, इंजीनियरिंग का मैंने आपको डेटा बताया, क्या करेंगे, क्या करियर कहां से निकालेंगे, कहां बनाएंगे। तो इतने लोग खाली पड़े हैं, केवल 2-2.5 लाख लोगों का अच्छा करियर बनता है, फिर क्या, फिर ये लोग आम जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों आज ये लोग पूरी तरह से परेशान है अपनी जिंदगी से। सो मेरे फ्रेंड्स, इन सारे लोगों को, इन सारे बच्चों को, यूथ को 21st सेंचुरी का एक ऐसा कंसेप्ट है जो उनको एक ऊंचाई तक ले जा सकता है। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग ये आज का दौर का बिजनेस है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इसके पीछे लगे पड़े हैं,
उनको मालूम है कि आज नेटवर्क का दौर है, डायरेक्ट सेलिंग का दौर है। सो दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है, एक ऑर्डिनरी पीपल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कम समय में, कम लागत में अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर देती है। इसके बहुत सारे उदाहरण आज भरे पड़े हैं, मौजूद है। सो मेरे फ्रेंड्स, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निग्लेक्टेड करते हैं, इस इंडस्ट्री को बुरा कहते हैं, नजरअंदाज करते हैं, जिनको मालूम नहीं है क्या है, उनका मत सुनिए। और जो इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए, अमल करिए, काम करना शुरू करिए और अपना भविष्य बनाइए। सो मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, राइट, नॉलेजेबल लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। और आइए हम लोग मिलके इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। इस इंडस्ट्री के साथ मिलके हम अपने, हमारे और हमारे परिवार के, हमारे सोसाइटी के पूरे सपने कर सकते हैं।